का शाम के 5 बजने वाले वक्त हो गया है शंखनाद का साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी मुंबई से खबर है इसलिए मुंबई में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस वक्त खार पुलिस थाने में मैं हूं जिसे आप राणास पार्ट टू कह सकते हैं। पार्ट वन वो था जब नवनीत राणा धमकी दे रही थी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी मातोश्री के सामने जाकर बैठूंगी उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंचती है और फिर उसके बाद पार्ट टू शुरू होता है जहाँ से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। सबसे पहले मुंबई पुलिस यही खार पुलिस थाने उनको लेकर के आई थी। आज चर्चा का विषय ये खार पुलिस स्टेशन इसलिए भी है क्योंकि आज यहीं पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज पहुंचे थे, उसके पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया यहां पर आए थे और आज जो एक वीडियो रिलीज किया गया है दिल्ली मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से वो भी खार पुलिस स्टेशन का ही है जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवनीत राणा को बाकायदा चाय पानी का इंतजाम किया गया था, उनको कॉफी पूछी गई थी और हर चीज का ख्याल रखा गया था। तो वो भी जो वीडियो आज जारी किया गया है वो इसी खार पुलिस स्टेशन का जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो बड़ा डेवलपमेंट आज सुबह से अभी तक हो चुका है इस खार पुलिस थाने में, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी वही बड़ा है हनुमान चालीसा का पाठ जिस पर राज ठाकरे भी अड़े हुए हैं जिसके लिए नवनीत राणा इस वक्त कोर्ट में पहुंची हुई और इसीलिए शंखनाद में बड़ा सवाल मैं उठा रही हूं। पहला सवाल शंखनाद में कि क्या मुंबई में हनुमान भक्त अब बाहरी बन गए हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने आज कहा बाहर से आकर के हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल अजान से वास्ता पवन पुत्र पर आस्था क्यों नहीं। तीसरा सवाल नमाज कहीं भी ठीक लेकिन चालीसा अपने घर पर करो। आखिरी सवाल गदाधारी हिंदुओं को हनुमान चालीसा से आखिर दिक्कत है क्यों। आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि एक फिल्म जैसी हो गई है ये नवनीत राणा की पूरी कहानी अब तक की फिल्म जैसी हो गई है। कभी कोई हीरो बन जाता है, कभी कोई विलन बन जाता है, कभी किसी की एंट्री हो जाती है, डायलॉग बाजी हर तरफ से चल रही है। तो ये जो माया नगरी फिल्मों के लिए जानी जाती है अब नवनीत राणा का भी ये पूरा किस्सा एक पिक्चर जैसा हो चुका है। आज किधर से क्या बयानबाजी हुई जवाब भी लूंगी, मेहमान भी जुड़ेंगे मेरे साथ। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। लाउड स्पीकर पर अजान के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधे रहती है, सड़क पर नमाज पर मुंह नहीं खोलती, लेकिन हनुमान चालीसा घर में ही पढ़नी पड़ेगी। नेतागिरी की तो राजद्रोह का केस दर्ज कर जेल भेज देंगे। महाराष्ट्र में कानून का नहीं शिवसेना की गुंडागर्दी और दादागिरी का शासन है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम घंटाधारी नहीं गदाधारी हिंदू हैं, लेकिन हनुमान चालीसा उन्हें मंजूर नहीं। मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याचे भानगडीत पडू नये, आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं, लेकिन यह विचार वो अजान और सड़क पर नमाज के मुद्दे पर नहीं रखते। अजीत पवार पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा के पास घर नहीं है क्या। बाहर के लोग यू नका संगत नहीं पढ़ाव चांगल्या पद्धतीने राहव व्यवसाय करावा नोकरी करावी सगळ्यांच्या मध्ये मिळून मिसळून राहव परंतु त्याच्यात राजकारण करण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये। सध्या वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न काही जण जाणीवपूर्वक आहे। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा पर राजद्रोह की कार्रवाई पर उद्धव सरकार कटघरे में है। नवनीत ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था जिसके बाद उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संजय राउत सफाई दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा पर नहीं अराजकता फैलाने की वजह से उन्हें जेल भेजा गया। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, आपका मन अशांत है तो आप अपने अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। लाउडस्पीकर हमारे घर के सामने नहीं चाहिए, हमको उस लाउडस्पीकर के माध्यम से आने वाली अजान नहीं चाहिए, तो ये फैसला सब लोगों के लिए उनको लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब को एक न्याय और जनता को एक न्याय, ये दो न्याय नहीं हो सकते।
एनसीपी ने नवनीत राणा और रवि राणा को बाहरी बताकर हमला बोला है। अब सवाल ये है कि क्या कोई बाहर से आकर मुंबई में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? सड़क पर नमाज पर महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं बोलती, लेकिन हनुमान भक्तों को घर में चालीसा पाठ की नसीहत देती है। गदाधारी हिंदुओं को हनुमान चालीसा पाठ से दिक्कत क्यों है? शंखनाद में बड़ी बहस आज इसी मुद्दे पर, सीधे मुंबई से। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता देती हूँ। मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से अब एक वीडियो ट्वीट किया गया है, अहम खबर। नवीन राणा का नया वीडियो एक सामने आया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया है ये वीडियो। थाने में बैठकर चाय पीती नजर आ रही है नवनीत राणा। पुलिस पर उन्होंने पानी तक ना पिलाने का आरोप लगाया है। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये जो बदसलूकी का आरोप लगाया था नवनीत राणा ने, उसके ऊपर जवाब दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वीडियो ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताने की कोशिश की है कि नवनीत राणा का जो आरोप है वो गलत है। बड़ी खबर इस वक्त की। और चलिए इसी के साथ आपको जो वीडियो मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से ट्वीट किया गया है वो वीडियो भी दिखा देते हैं। नवनीत राणा चेयर के ऊपर बैठी आपको दिखाई दे रही होंगी, उनके हाथ में चाय या कॉफी का कप है, पानी बॉटल भी रखी हुई है, उनके पति भी बगल में बैठे हुए हैं। बगल में जो पति हैं उनके हाथ में भी चाय आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जो ये बता रहे हैं कि पानी तो क्या, चाय भी हमने दिया है नवनीत राणा को। ये वीडियो सामने आया है और मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, उनका भी मैं रुख करती हूँ। मीनाक्षी, आप सुबह से इसी खार पुलिस स्टेशन पर मौजूद थी जहाँ अभी मैं हूँ। मुंबई पुलिस कमिश्नर वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं चाय पानी का ख्याल रखा गया, और ये वीडियो मीनाक्षी इधर खार पुलिस स्टेशन का है जहां एक से दो घंटे के लिए ही नवनीत राणा थी या लॉकअप नहीं है, इसके बाद उनको सेंटा क्रूज लॉकअप लेकर के जाया गया था और उधर उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि रात तो उन्होंने वहां बिताई थी या चंद घंटे के लिए ही थी मीनाक्षी, ऐसी तो बात है ना। बिल्कुल शालिनी, ये वीडियो ट्वीट करने से देखिए एक बात तो साफ है, अब तक जो राजनीतिक नेता जो नेता है वो लोग ट्वीट कर रहे थे, वो लोग बार पलटवार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन देखिए अब मुंबई पुलिस जो है वो भी इस पूरे बार पलटवार के खेल में उतर चुकी है। कई आरोप उन पर लग रहे थे, खुद देखिए किरीट सोमैया ने उन पर कई आरोप लगाए थे, नवनीत राणा की ओर से लगातार आरोप लगाए गए। वो इस वक्त भाईकाला जेल में है, लेकिन वहां से उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो वीडियो है शालिनी, ये वीडियो आपको बता दूं खार थाने की है, खार थाने जिधर उन्हें लाया गया था पिछले शनिवार को 23 तारीख को, खार थाने जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया तो वहां पर पुलिस से बातचीत के दौरान की वीडियो है, जिसे आप पुलिस कमिश्नर की ओर से आपको बता दूं मुंबई पुलिस की ओर से ट्वीट करके जारी किया गया, और ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की बदसलूकी नवनीत राणा के साथ नहीं हो रही है। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे जिस संदर्भ में शिकायत की है नवनीत राणा ने, तो उससे बिल्कुल अलग है और बिल्कुल गलत भी है। वो इस वक्त भाईकाला जेल में है जहां उन्हें बंद किया गया, और वहां से उन्होंने शिकायत की थी कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जो जाति सूचक शब्द है वो इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि अब जो मुंबई पुलिस है अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे कहीं ना कहीं हटाने के लिए, उससे पल्ला झाड़ने के लिए ये वीडियो उनकी ओर से जारी किया गया है शाली। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये समझना होगा कि वीडियो जारी कहीं और का हुआ है, आरोप कहीं और का लगाया गया, ये खार पुलिस स्टेशन का वीडियो है, और अगर इतना ही सच्चाई बताने का शौक है तो फिर मुझे लगता है लॉकअप में जहाँ सेंटा क्रूज में उनको रात में रखा गया था वहाँ का फिर वीडियो जारी करना चाहिए, या फिर जेल में भाईकला में जहाँ पर अभी रखा गया है नवनीत राणा को वहाँ का करना चाहिए, क्योंकि उनकी पीए की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अभी उनके साथ बदसलूकी हो रही है। बहरहाल हर कोई अपना अपना नफा नुकसान देख रहा है, और मैं कैसे पाक साफ बच जाऊं ये साबित करने की कोशिश हो रही है, तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी वही किया गया। मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, परिचय आपका करवा देती हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा शंखनाद में जुड़ चुके हैं, शिवसेना नेता विक्रम सिंह यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ वक्त में, योगेश खैरे एमएनएस प्रवक्ता हैं, तुहिन सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, शुरुआत आपके साथ ही, कहा जा रहा है मुंबई पुलिस आपके इशारे पर काम कर रही है, मुंबई पुलिस आपके इशारे पर काम कर रही है, यही बात किरीट सोमैया कह रहे हैं, नवनीत राणा के समर्थक भी यही कह रहे हैं, और अब मुंबई पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है सर वो भी आधा अधूरा सा है, तो तस्दीक वो भी इसी बात की कर रहा है। मेरे पास वो नहीं जोड़ा इसने,
ठीक है, विक्रम जी मेरे साथ नहीं है, कुछ वक्त में शिवसेना नेता जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनका रुख करूंगी। तुहिन सिन्हा जी आपके पास मैं आ रही हूँ। अब खुल करके बिल्कुल नवनीत राणा के समर्थन में बीजेपी जिस तरह से उतर गई है, और नवनीत राणा के समर्थक उतना नहीं बोल रहे हैं जितना आप लोग समर्थन कर रहे हैं नवनीत राणा का, मतलब खेल पहले से चल रहा था। जब सेडिशन के चार्ज लागू होते हैं तो अगर आप पे लागू होंगे आपके साथ भी हम खड़े होंगे। जिस पर लागू होगा सेडिशन का चार्ज, क्या हनुमान चालीसा अगर कोई गाना चाहे वो गाना चाहे उसको हम नहीं करवा रहे थे, ये मैं आपको बता दूं। ये उनका निर्णय था नवनीत राणा का, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे और उसके उस कारणवश उन पर राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगे तो इसका हम विरोध करेंगे। हम खुद भुगत चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेताओं पर जिस प्रकार के हमले हुए हैं, किरीट सुमाया पर आपने देखा किस प्रकार के हमले हुए हैं, उससे पहले मोहित भारतीय पे हुआ था। तो हमें पता है कि किस प्रकार से कानून और न्याय का जो लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन निरंतर ये महाराष्ट्र की सरकार करती आई है। हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं इस तरह की जो हरकतें हैं उसका। नवनीत राणा क्या करना चाहे उस पर हमारा जो हमारी जो सपोर्ट है वो सीमित है, केवल इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति संजय राउत जैसा सीनियर नेता क्लियर करूं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है, मुंबई पुलिस ये कह रही है कि हमें हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा आप पढ़े, इसके लिए राजद्रोह नहीं लगाया है, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। वो कह रहे हैं, सीधा चैलेंज कर रही है, खुला चैलेंज सरकार को वो कर रही है, इसके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया है, काम नहीं करने दे रही पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। कहां खुला चैलेंज किया उन्होंने? कहा कि मैं आपके घर के आगे आकर हनुमान चालीसा पढ़ना के बाहर आऊंगी। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं हनुमान चालीसा, वो भी शायद साथ में जपेंगे। तो ये चैलेंज करने वाली बात कहां से आ रही है? और अगर मान लीजिए कि वो तो आई नहीं वहां पर, उससे पहले ही उनको रोक दिया गया, तो उसके बाद राष्ट्रद्रोह का चार्ज कहां से बनता है? ठीक है, ठीक है। पुलिस ये कह रही है कि वो आई नहीं क्योंकि हम उठाकर ले आए, इधर ही खार पुलिस स्टेशन जहाँ मैं मौजूद हूँ ना सर, पुलिस कह रही है उठाकर ले आए, तब वो नहीं आई। और शिवसेना जो समर्थक थे वो बवाल उनके घर के नीचे शुरू कर दिया था, इसलिए वो नहीं आ पाई, प्लानिंग पूरी भाई थी। शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने क्या बयान दिया, एक दलित महिला के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि हम इसको 20 फुट जमीन के नीचे दफना देंगे, उसके उपरांत जो है उनके घर पर हमला हुआ, उसके उपरांत किरण सुमाया जी पे हमला हुआ। तो मेरे ख्याल से इस पर फोकस होनी चाहिए, किस प्रकार से संजय राउत जी के बयान के बाद इस महिला पर हमला होता है, कि क्या एक पार्लियामेंटेरियन, क्या एक सांसद द्वारा इस तरह की भाषा शोभा देती है? ठीक है, आप एक महिला रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से आप जो है इस तरह की भाषा सुनकर। उत्तर प्रदेश में लड़कियों लड़ सकती हूँ, महिलाओं का इतना सम्मान कि जितने कैंडिडेट हैं सब महिलाएं उतारेंगे, और उधर उत्तर प्रदेश से यहाँ महाराष्ट्र आते आते तक महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, जैसे बीजेपी नेता भी अभी कह रहे हैं कि एक दलित महिला को 20 फीट नीचे गाड़ दूंगा, संजय राउत का ये बयान साथ में है ना आप लोग सब महागाड़ी बीजेपी का नेता, ये देश की सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए टारगेट एजेंडा झूठ का लेके आते हैं, झूठ दिखाते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। हनुमान जी की बेइज्जती कर दी इन्होंने, हमारे इष्ट देव हैं, 136 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं, नकली हिंदू, नकली राम भक्त, नकली हनुमान भक्त, कैसे हिम्मत हो गई? अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो नवनीत राणा और उसके पति को और कड़ी से कड़ी सजाओं में जेल भिजवाता। कैसे हनुमान जी की बेइज्जती सहन कर ले गए हिंदुस्तान? आपने भगवान को भी प्रदर्शन की वस्तु और पॉलिटिक्स की वस्तु बना लिया है इस हिंदुस्तान में, सड़कों पे प्रदर्शन में भगवान को ले आएंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को? हनुमान जी और श्री राम के नाम पे चंदा करेंगे, सड़कों पे हनुमान जी चालीसा पढ़वाएंगे, अरे कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं आप लोग, शर्म करो, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करो, हिंदुओं के भगवान के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। ये हनुमान जी का गदा जब पड़ेगा ना आपके ऊपर तो तब आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि साहब मुझे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, अगर पूजा करनी है मंदिर में करिए, हनुमान चालीसा पढ़ना। सवाल मैंने पूछा था, मेरे साथ शिवसेना नेता विक्रम सिंह यादव जुड़ चुके हैं, ठीक है सर, विक्रम जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। विक्रम जी, आपके नेता किस तरह से नवनीत राणा के घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, वीडियो तो देख लिया होगा ना अब तक आपने, कल तक नकारा जा रहा था, मुंबई पुलिस मना कर रही थी, पत्थरबाजी नहीं हुई, एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें पत्थरबाजी की घटना का जिक्र मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, आज वीडियो वायरल हो रहा है सर, देख लिया आपने या जी हिंदुस्तान पर दिखाओ आपको?
नहीं देखिए मैम, मुझे आप एक चीज बताइए कि आप अगर देश में क्या ऐसा माहौल बना देंगे इस तरीके के हालात पैदा होंगे, जब जब आपको पूजा करनी है आप किसी मंदिर में जाओ कि कैसी जगह पे जाओ, आप अपने घर में करो, आप भगवान को बीच में ला करके और ऐसा चैलेंज करके एक मुख्यमंत्री एक गरिमा का पद है और उसके घर के सामने आप इस तरीके का चुनौती दोगे कि हम वहीं पूजा करेंगे तो क्या इससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी नहीं और ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे? तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? पत्थर बरसाएंगे? आप जी हिंदुस्तान पर बैठकर शिव सैनिकों को भड़का रहे हैं, आप भड़का रहे शिव सैनिकों को, कह रहे पत्थर बरसाओ कुछ नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं आप सर? मैं विजुअल दिखाती हूँ आपको, मैं दिखाती हूँ सर, फिर नाम भी बताऊंगी आपके शिवसेना नेता का, मैं नाम भी बताऊंगी सर, संभव है आपने अभी तक नहीं देखा होगा, आप व्यस्त है ना, आप बहुत व्यस्त है सर, आपने देखा नहीं होगा अभी तक, वो विजुअल देखा नहीं होगा, मैं दिखाती हूँ दर्शकों को, आप देखिए कल तक मुंबई पुलिस, एक मिनट सर लौटूंगी आपके पास, ये जरा विजुअल आप भी देख लीजिए, मेरे दर्शक भी देख ले, कल तक मुंबई पुलिस मना कर रही थी, इनकार कर रही थी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है, शिवसैनिक सिर्फ इकट्ठा हुए हैं, अब ये आप देख लीजिए साफ तौर पर इसमें शिवसेना नेता नाम है प्रवीण हरमारकर, साफ तौर पर दिखाई दे रहे पत्थर बरसाते हुए, विक्रम सिंह जी देखिए पुलिस ने बाकायदा नोटिस दिया था उन लोगों को कि आप वहां पे मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, नहीं आप पहचानते हैं कि नहीं, आप प्रवीण हरमारकर को पहचानते हैं विक्रम जी? पहचानते हैं आप? देखिए मेरे सामने नहीं पहचानते? नहीं मेरे सामने टीवी नहीं है, और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस के अच्छा वो वीडियो आपने देखा ही नहीं है सर, वो वीडियो आपने देखा ही नहीं है, आपकी पार्टी का नेता कुछ करता है, कार्यकर्ता कुछ करता है, आप नहीं देखते हैं? नहीं मुझे ये बताइए कि ये जिम्मेदार, एक मिनट पहले प्रवीण हरमारकर पर बात कर लेते हैं सर, पहले प्रवीण हरमारकर पर बात कर लेते हैं, मैं मुंबई में मौजूद हूँ सर और यहीं पर हूँ, खार पुलिस स्टेशन में ही मौजूद हूँ, बार बार अपने दर्शकों को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि पुलिस यहीं पर लेकर के आई थी सबसे पहले नवनीत राणा को, और सर यही कहा था पत्थरबाजी उनके घर के ऊपर नहीं हुई, अब मैं समझना चाह रही हूँ दूध का दूध पानी का पानी आज जब हो गया तो अपने कार्यकर्ता को पहचानने से आप मना कर देंगे? नहीं देखिए मेरे सामने अभी टीवी नहीं है, मैंने यही कहा, और दूसरी बात ये है कि जब एक जिम्मेदार आदमी एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे और वो इस तरीके के काम करेंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ को उन्होंने जैसे हालात पैदा कर दिए आप उन चीजों को देख रहे हो। मैं कह रही हूँ सर, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ विक्रम जी, आपकी जानकारी के लिए, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि सरकार अगर मना कर रही है तो अपने घर पर हनुमान चालीसा पढ़ो, मत पढ़ो सड़क पर आकर, लेकिन अगर कोई कह रहा है मुझे सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो राजद्रोह का केस फिर नहीं बनता है, बहरहाल कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगा, मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाली, लेकिन किसी महिला के घर पर पत्थर बरसाने की हिमायत तो मैं कतई नहीं कर सकती सर, वो मेरा साथी हो तब भी नहीं, मेरा दोस्त हो तब भी नहीं, आपका कार्यकर्ता है, आप डिफेंड कीजिए उन्हें, आप डिफेंड कीजिए सर, मैं नहीं कर सकती। देखिए कानून कोई भी आपने लेता गलत है, उस चीज का मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जब आपको पता है कि भी ऐसे हालात पैदा होंगे तो आपको सबसे पहले तो यही चीज सोचनी चाहिए कि भाई हमें कहाँ पे पूजा करनी चाहिए कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, अब मंदिर है उसके लिए आप वहाँ पे जाइए, आपको ऐसी क्या जीत चाहिए आपको मुख्यमंत्री सहयोगी मैं मीनाक्षी का रुख कर लूं विक्रम जी, लेकिन आप कह रहे हैं कोई कानून का उल्लंघन करे तो वो गलत है, आप ये कह रहे कोई कानून का उल्लंघन करे तो ये गलत है, मेरे दर्शकों को मैं बता दूं जिन शिव सैनिकों को पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया है, नवनीत राणा अब भी जेल में, मीनाक्षी बड़ी खबर है आपके पास। बिल्कुल बड़ी खबर बता दें शालिनी, 20 फीट जमीन में गाड़ने वाले संजय राउत के बयान को लेकर देखिए अब नागपुर पुलिस कमिश्नर ने शिकायत की है, जी हां देखिए उनके ऊपर से कहा गया है कि फाइट होनी चाहिए, खबर देखिए आपको बता रहे हैं जो इस तरह से कहा था संजय राउत ने नवनीत राणा के लिए कि 20 फीट जमीन में दफना देंगे गाड़ देंगे, उस बयान को लेकर अब नागपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने इसकी शिकायत की है, उन्होंने कहा है कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर शालिनी बता रहे हैं, देखिए किस तरह से अब संजय राउत को लेकर, संजय राउत ने कहा है कि 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे, इस बयान को लेकर नागपुर पुलिस कमिश्नर ने शिकायत की है और कहा है कि इस पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिस तरह से कहा उन्होंने नवनीत राणा के लिए। ठीक है सबको पता है संजय राउत भी उसी तरह से धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, दिखा देंगे बता देंगे, हर तरफ से यही बातें हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी एक पक्ष की हो रही है दूसरे पक्ष की नहीं हो रही है, फिर यही लोग कहते हैं कि एक तरफा खबर दिखाते हो। विक्रम जी
बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा सर, क्योंकि बाकी मेहमानों का मैं रुख नहीं कर पाई हूँ। बहुत शॉर्ट में सर मुझे ये बता दीजिए, सांसद के घर पत्थर फेंकना ये ठीक है? इसको आप इस तरीके से क्यों लेके चल रहे हो कि 30 फीट जमीन में गाड़ देंगे? ये तो इस सुरक्षा के हिसाब से आदमी कहेगा, अपनी सुरक्षा को देखते हुए आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं कह रहे कि वो ऐसे काम ना करें? आप नहीं, ये तो आपको भी पता होगा कि हमारे मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाती। मुझे ना चाह के भी टोकना पड़ता है, मैं टोकना चाहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बात ऐसी कर देते हैं सर कि कोई कुछ करेगा तो फिर हमें तो कहना ही पड़ेगा, हम बोलेंगे। आज चाकूबाजी भी हो जाए ना, आप उसका भी समर्थन करने लगेंगे सर, आप उसका भी करने लगेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी का आप समर्थन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ नवनीत राणा ने ऐसा बोला तो पत्थरबाजी हुई, सीधी बात है प्रोफेसर विवेक। प्रोफेसर विवेक, पत्थरबाजी ठीक है, नवनीत राणा सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा करेंगी तो फूल बरसाए जाएंगे क्या, पत्थर ही पड़ेंगे? देखिए आपके बात बिल्कुल सही है, बट मैं इस प्रश्न को आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी जो विक्रम जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे जिम्मेदार पद का क्या होता है, तो मैं उनको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे जो एक बयान थी जिम्मेदार पद पर है, और उनका बयान आया है ना गदाधारी हिंदुत्व। अभी गदाधारी हिंदुत्व क्या, जो आप समझ सकते हैं कि उनका बयान किस दिशा में है। दूसरा, संजय राउत एक बड़े नेता है और एक बड़े पद के हैं। अगर विक्रम रावत आप देखिए पद के मर्यादा कैसे आपके शिवसेना में निर्वहन किया जा रहा है, तो 20 फीट गड्ढे में जमीन के नीचे और गाड़ने की बात करते हैं। तो आप देखिए मुद्दा यह है कि नवनीत राणा ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ, और उन्होंने यह थोड़ी कहा था कि हम शिवसेना में मातोश्री के अंदर जाएंगे। देखिए हम जो भी मुंबई में मैं रहता भी हूँ, तो शिवसेना को समझना चाहिए और पूरे देश को समझना चाहिए कि मातोश्री का एक अपना स्थान है, और लोगों को लगता है कि हाँ हिंदुत्व का अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो मातोश्री है। उसके लिए एक सांस्कृतिक रूप से उन्होंने कहा था कि हम उसके बाहर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर पाठ कर रहे थे एक सांसद थे तो उसे कोई जुड़ा नहीं हो जाता और कोई दिक्कत की बात नहीं आ जाती। अब रही बात एक ऑर्डर दिया है कि राजद्रोह की धारा लगा, धारा 144 लगा देते हैं, धारा 144 लगा देते ना इलाके में जिधर मातोश्री है, वह धारा 144 लगा देते हैं। औरंगाबाद में लगा दिया ना, आज से लेकर 7 तारीख तक औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी गई है, जहां पर राज ठाकरे जाकर के रैली करना चाहते थे। एमएनएस नेता योगेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं करने देंगे, अब औरंगाबाद में रैली निकालनी है राज ठाकरे को, धारा 144 लगा दी, कीजिएगा क्या सर आप? ठीक है, योगेश जी की आवाज आ नहीं पा रही है, योगेश जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है, ठीक कराने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी, धारा 144 भी लगाई जा सकती थी मातोश्री के बाहर, कई दूसरे तरीके थे। एक पति पत्नी जो कि निर्दलीय है, कोई दलबल नहीं है ना उनके साथ, उनका तो कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ताओं की तरह आके खड़ा नहीं हो जाता, उनका कार्यकर्ता तो शिव सैनिकों की तरह गुंडागर्दी नहीं करने लगता, पत्थरबाजी नहीं करने लगता। एक पति पत्नी, एक सांसद, एक विधायक, दो लोगों को रोक नहीं पाती मुंबई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता। और सर ये 4 दिन से मुंबई में जो मैं देख रही हूँ वो बड़ा ठीक है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था? कहना चाहूंगा कि जो ये औरंगाबाद का मामला है, इससे जो है अगर आप देखें तो शिवसेना जो ठाकरे जी हैं लगातार 2.5-3 सालों में फेल रहे हैं, और इन्होंने जो है उसका नाम चेंज करने की जो कवायद थी वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के पिताजी ने किया था। अब देखिए उद्धव ठाकरे इतने दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी भी का भी यह नारा था, शिवसेना का यह नारा था, और खास करके जिस पार्टी से आप आते उसको एक विचारधारा थी, वहाँ पे औरंगाबाद जिले का नाम को बदलना था। अब राज ठाकरे अगर उस बात को लेकर आ रहे हैं, और देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन आने वाला है और इनको लगता है कि हार जाएंगे, और इसलिए सत्ता खोने का दर्द इनको है। दूसरी बात मेरी सुन लीजिए, अगर प्रधानमंत्री के घर पर जाके कोई नवाज पढ़ ले या कोई प्रधानमंत्री के घर जाके रामायण पढ़ ले हिंदुस्तान के दिल्ली में 5 देश को, पर तो उस पर राजद्रोह लगा देंगे। अब इन पे तो राजद्रोह कम लगी है, मैं अनुरोध करूंगा संविधान विशेषज्ञों से कि भगवान द्रोह की धारा नहीं और होनी चाहिए। हनुमान जी करेंगे, इतिहास है
कांग्रेस का एक इतिहास है लगातार राष्ट्र जो है द्रोह लगाने की, आपके एक इतिहास है। आप जो सुनिए, आप सुन लीजिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप जिसकी सरकार है, और मैं इस बात को खुले मन से मानता हूँ, शिवसेना पर, शिवसेना पर कांग्रेस का असर हुआ है। किस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, इसका असर शिवसेना पे आज दिख रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री और पूरे देश और राष्ट्र के अध्यक्षों से प्रेरित होते हैं भगवान, वो उनकी सबकी ठीक है। मैं मुंबई में मौजूद हूँ सर, आप एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं ना, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं एक बार मीनाक्षी का रुख कर लूँ, ठीक है सर, मैं एक बार मीनाक्षी का रुख कर लेती हूँ। मीनाक्षी, क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल शालिनी, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, खान थाने आज पहुंचे थे किरीट सोमैया, जहां से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है मुंबई पुलिस पर। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा कर रही है मुंबई पुलिस। जी हां, मुंबई पुलिस फर्जीवाड़ा कर रही है। मेरा केस, मेरा FIR दर्ज नहीं किया है, बल्कि मेरे नाम पर एक फर्जी FIR दर्ज करके रखा है। इसी की शिकायत करने के लिए आज वो खार थाने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा आरोप मुंबई पुलिस पर लगाया और कहा है कि कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। के गुंडों की गुंडागिरी, ये आप लोगों के कारण जो लाइव शो चल रहा था, ये लोगों के हाथ सामने आ गई। इसीलिए उद्धव ठाकरे डरते हैं और ऑफिशियल FIR नहीं लेते हैं। उद्धव ठाकरे को अपने माफिया गैंग के खिलाफ FIR देनी पड़ेगी। तो किरीट सोमैया को सुन लिया आपने, यही खार थाने में वो पहुंचे थे दोपहर के वक्त में। वो चाहते थे FIR उनकी दर्ज हो जाए, वो FIR जिसमें पहले जो पुलिस वाले थे उन्होंने नकली दस्तखत कर दिया था किरीट सोमैया का। ये उनका कहना है, उनका कहना है मेरा दस्तखत नहीं है, छोटी धाराएं लगाई गई, मामले को कमजोर किया गया और मेरे जाली दस्तखत किए गए। तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, खार पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन करने। पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने आए थे पुलिस वालों के खिलाफ। आज भी सुनवाई नहीं हुई है, अब आगे वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक रही हूं, शंखनाद जारी है ब्रेक के उस पार भी। शंखनाद, स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। लगातार मुंबई में जो सियासत है वो गरमाती चली जा रही है, मामला ठंडा पड़े इसके पहले उसमें और तड़का लगा दिया जाता है, घी डाल दिया जाता है, पेट्रोल डाल दिया जाता है। आज पूरा दिन ये खार पुलिस स्टेशन, जो कल शांति जहाँ पर बनी हुई थी वहाँ गहमा गहमी का माहौल रहा। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, पुलिस और नेताओं के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। मोहित कम्बोजा है, अंदर उनको घुसने नहीं दिया गया, बाहरी पुलिस ने उनको रोक दिया। किरीट सोमैया पहुंचे, उनकी दरखास्त नहीं सुनी गई। इस वक्त जी हिंदुस्तान ग्राउंड पर मौजूद है, हर सही तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है योगेश खेरे, MNS नेता मेरे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, इसके पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं समझना चाहती हूं क्या हनुमान चालीसा को हथियार की तरह इस्तेमाल अब किया जा रहा है? आप हथियार की तरह हनुमान चालीसा को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हनुमान चालीसा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारा पहले, हमने जो पहला मुद्दा शुरू किया वो लाउड स्पीकर आयोजन का था, और लाउड स्पीकर में आयोजन होती है उसको विरोध करने के लिए हमें, हम हनुमान चालीसा चलेंगे ऐसा बोल, हमें बोला है। लेकिन बाद में जिन लोगों ने जो हनुमान चालीसा का जो बाकी इशू हुए वो, उसे हम समर्थन नहीं करते, उसके बाजू में हम नहीं है। लेकिन हमारे औरंगाबाद में भी, संभाजीनगर में भी जो अभी नहीं, एक मिनट, बाद में जो हनुमान चालीसा का पूरा कांड हुआ आप उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर है कि हमारा जो मकसद था, हमारा जो स्टैंड था वो लाउड स्पीकर के अजान के बारे में था। अभी कोई, हम किसी के घर के सामने जाकर हनुमान चालीसा पठन करने के बाजू में हम नहीं है, हम उसके समर्थन में नहीं है। हमारा सर, ऐसा कहाँ लिखा है, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किसी के घर के सामने तो हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, लेकिन मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाना वो बड़ा अच्छा काम है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आप तय करेंगे। नहीं, कहीं लिखा है या नहीं लिखा वो बात नहीं है, हमारा पहले ये बात समझ लीजिए कि हमारी ओर से ये धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। राज साहब पहली सभा से कह रहे हैं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये सामाजिक मुद्दा है। और जो लाउड स्पीकर से अजान होती है वो लाउड स्पीकर की जो तकलीफ है उसके, वो लाउड स्पीकर नहीं उतर रहे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी नहीं उतर रहे,
तो हमने ये स्टैंड लिया कि अगर ये नहीं उतरते तो हम हनुमान चालीसा लगाएंगे। मुद्दा अगर सिर्फ लाउड स्पीकर था तो शादियों में बजने वाला लाउड स्पीकर क्यों नहीं, मंदिरों पर बजने वाला लाउड स्पीकर क्यों नहीं, गुरुद्वारे से बजने वाला लाउड स्पीकर क्यों नहीं, जगराते में बजने वाला लाउड स्पीकर क्यों नहीं? मुद्दा धार्मिक नहीं था तो लाउड स्पीकर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने ये क्यों कहा कि मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएंगे? मामला धार्मिक है सर, योगेश जी मामला धार्मिक है। नहीं नहीं, आप थाने की तबाब की राज ठाकरे उन्हें क्लियर शब्दों में कहा है हमारे लिए धार्मिक बात नहीं है, हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है। और आप एक बात समझिए, आज तक जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो पीआई लाई है वो ज्यादातर पीआई है लाउड स्पीकर जो अजान से जो लाउड स्पीकर होती है उसके बारे में है, आप समझ लीजिए। और आप जो बोल रही है कि बजाएंगे तो सड़क पर ही ना, नहीं आप लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा सड़क पर बजाए तो ठीक है, नवनीत राणा बैठे तो आप उनका समर्थन नहीं करते, सीधा सा बोलिए ना सर। मुद्दा उठाया आपने, एज ले गई नवनीत राणा, वो चुप रहा होगा आप लोगों को? नहीं नहीं बिल्कुल, योगेश कह रहे की बात ही नहीं है, चुपने की बात ही नहीं है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और हमारे राज ठाकरे साहब ने सही शब्दों में कहा है कि हमने 3 मई तक अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि वो इस लाउड स्पीकर के बारे में कोई डिसीजन ले, अगर नहीं होता तो हम हनुमान चलते चलाएंगे। ये पहले हम प्रतीकात्मक बोल रही है, ये लाउड स्पीकर का जो इश्यू है हमारा विरोध लाउड स्पीकर को है, आप समझिए। जो दिन में 5 बार जो 5:30 बजे से दिन भर 5 बार जो नाम सर उद्धव ठाकरे क्लियर कर चुके हैं, हम नहीं उतारेंगे लाउड स्पीकर। मैं बता दूं आपको, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जहां राज ठाकरे पहुंचे नहीं थे, उद्धव ठाकरे बता चुके हैं हम लाउड स्पीकर नहीं उतारने वाले, हमारा काम नहीं है, धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो पहले दर्शकों को बता देती हूँ। अहम खबर ये है, नवनीत राणा की गिरफ्तारी मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने अब विशेषाधिकार समिति के पास ये पूरा मामला भेज दिया है। बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, विशेषाधिकार समिति के पास ये पूरा मामला अब भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब करेगी ये समिति, स्पीकर ओम बिरला को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें नवनीत राणा ने बतौर सांसद अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, चिट्ठी लिखकर सांसद नवनीत राणा ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी और अब विशेषाधिकार समिति को ये पूरा मामला स्पीकर की तरफ से भेज दिया गया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति का ये जरा मजा भी आप देख लीजिए कि एमएनएस भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगी लेकिन मस्जिद के बाहर, नवनीत राणा को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है परमातोश्री के बाहर, उधर एनसीपी नेता को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है पर पीएम हाउस के बाहर। हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना है, सब धार्मिक रंग इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब ये कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक मामला है नहीं। एक और बड़ी खबर मिल रही है सर, एक मिनट आपके पास लौटूंगी, एक और अहम खबर बता दूं मैं दर्शकों को, ग्राउंड पर मौजूद हूँ, बराबर तस्वीर बदल रही है। अहम खबर राज ठाकरे की रैली से जुड़ी हुई है, अहम खबर मुंबई से राज ठाकरे की रैली से जुड़ी हुई, बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार ने चेतावनी राज ठाकरे को दी है, बड़ी खबर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की चेतावनी है, कानून तोड़ा तो राज ठाकरे पर भी कार्रवाई होगी, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी, नवनीत से बदसलूकी के आरोप गलत है, ये सफाई भी दी गई है दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से, बड़ी खबर इस वक्त की। योगेश खेरे जी आपके पास आ रही हूँ, पर कहा क्या है दिलीप पाटिल ने, पहले दर्शक वो सुन ले। ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। योगेश खेरे जी, वक्त मेरे पास कम है, शॉर्ट में बताइएगा, इसे चेतावनी समझ रहे हैं या धमकी समझ रहे हैं? नहीं, ये चेतावनी और धमकी दोनों नहीं है, वो अपना गृह मंत्री के हिसाब से स्टैंड रख रहे हैं, ठीक है ना, वो अगर हमारा जो कानून के हिसाब से उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसी बात आएगी तो फिर जो कार्रवाई होगी तब देखेंगे हम। औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी गई है, पता है ना सर आपको? नहीं, मेरे को अभी जानकारी मिली है कि 144 उधर नहीं लगा है। योगेश कह रहे मैं बता रही हूँ सर, औरंगाबाद में आज से लेकर के 7 तारीख तक धारा 144 है, रैली नहीं कर पाएंगे वहां पर आप।
रैली नहीं कर पाएंगे। 3 तारीख को स्पीकर नहीं उतर रहे सर, कल साफ कर दिया गया पीसी में, उतारेंगे स्पीकर फिर भी। आप सुनिए 144 धारा लगाई है, इसका मतलब रैली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। उसके मुंबई में जब गुड़ी पाड़वा की रैली हुई थी तो मुंबई में भी 144 लगा था उस पर, उसमें जो क्लॉज है कि विथ परमिशन वी कैन गैदर, तो अगर परमिशन मिली तो हम सभा कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि अभी 3-4 दिन रह गए, आप बहुत बोले हैं सर। नहीं नहीं, या तो मैं नादान हूँ या आप बहुत भोले हैं सर। अब 1 तारीख बगल में ही है, बहुत दूर तो नहीं है, देख लेंगे। धारा 144 के बाद भी रैली होती है, पता चल जाएगा। विक्रम सिंह जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे ले रही हूँ सर। सर क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूँ, नवनीत राणा के बाद राज ठाकरे। ये झूठ फैलाने का जो षड्यंत्र चल रहा है ये तो गलत है। आप मुझे बताइए कि राज ठाकरे जी ने हनुमान चालीसा पढ़ी, किसी ने कुछ कहा क्या? लेकिन ये अब एक माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पे ये उनको जेल में डाल रहे हैं, तो इस चीज को बंद करना चाहिए। और आप मीडिया वाले, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार जो लोग हैं वो कम से कम ऐसी अफवाह ना फैलाएं देश के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सब शांति का माहौल है, कानून का राज है, और वहां पर के इस प्रकार का कोई भी चीजें जो है ना वो सहन नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी जो कानून तोड़ेगा। तो मेरा यही कहने का, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जिम्मेदार पद पे है उनको अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है और वो ऐसे काम ना करें। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं सर, उम्मीद ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी का पालन भी करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी गलत आदमी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ जहाँ खार पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ से 8 शंखनाद में पर बस इतना ही। लेकिन शुरुआत जब की थी शंखनाद की मैंने, तो आपको कहा था पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है यहाँ मुंबई के अंदर, क्लाइमैक्स उसका अभी आया नहीं है, तो क्लाइमैक्स का अभी इंतजार करना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मैं रुक रही हूँ, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।